वक्त ऐसा था, मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता था, ना किसी चीज में मेरा मन लगने लगा था, अजीब सा फील होने लगा था। और धीरे धीरे वक्त के साथ, वक्त गुजरने के साथ मुझे फील होने लगा कि मुझे एंजाइटी है। हाँ, आपने सही सुना, मैंने कहा मुझे एंजाइटी है। कभी 2 से 3 घंटे सोता था तो कभी पूरी पूरी रात जागने लगा था। और ये चीज़ें देख के मुझे लगने लगा आई एम स्ट्रगलिंग विद माई मेंटल हेल्थ। और वक्त के बीते मैं वॉशरूम में छुप छुप के रोने लगा ताकि किसी को पता ना चले। मेरी जिंदगी का मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि सोशल मीडिया पे गुजरता था, अब उससे भी नफरत होने लगी थी। अब कुछ अजीब सा लगता था और अंदर ही अंदर वो चीज़ भी कहीं ना कहीं मुझे परेशान कर रही थी। मुझे इतना अजीब होने लगा था कि मुझे खुद से नफरत हो गई थी। आई यूज टू फील लाइक आई एम वर्थलेस। मुझे बहुत अजीब लगने लगा था और ये चीज़ अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही थी। वक्त बीतते मुझे महसूस होने लगा कि मेरा सुकून कुछ उसी तरह मुझसे दूर होता जा रहा है जैसे मेरी नींद। 2-3 घंटे की नींद कब पूरी पूरी रात जागने में निकल गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मेरी नींद, जैसे मेरा सुकून, जैसे मेरी खुशियाँ मुझसे दूर होती जा रही है, वैसे शायद मैं खुद से उतना दूर होता जा रहा हूँ। और पानी सर के ऊपर इतना हो गया, मैंने डिसाइड कर लिया या तो ये दुनिया मुझे अकेले छोड़ दे या मैं इस दुनिया को छोड़ दे। अब कुछ करने का मन नहीं करता था, कुछ सोचने का मन नहीं करता था। 24 घंटे बस अपने कमरे में, बंद कमरे में, 4 दीवारों के भीतर अंधेरे में एक कोने में पड़ा रहता था, रोता रहता था। हाँ, आपने सही सुना, मैंने कहा कि मुझे एंजाइटी है। और मैं खुद की तलाश में लग गया। खुद की तलाश में मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू कर दिया, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने फन कंटेंट देखना शुरू कर दिया ताकि मुझे कुछ पल की खुशी मिले। मैंने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना शुरू किया, लेकिन इस चीज़ के गुजरते, इस चीज़ के बीतते भी मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा कि मैं खुद से और ज़्यादा दूर होता जा रहा हूँ। और मैं वक्त गुजरने के साथ साथ इतना परेशान हो गया था कि मैंने डिसाइड कर लिया था या ये दुनिया मुझे अकेले छोड़ दे या मैं सबको अकेले छोड़ दूँ। और ये जो कहानी आप अभी तक सुन रहे हो या आगे सुनोगे, ये मेरी खुद की तलाश के बारे में है। अपनी तलाश की बात अगर करूँ तो इस तलाश के बीते मैंने बहुत सारी चीज़ें खोई और मैंने बहुत सारी चीज़ें महसूस की। अब हर एक इमोशन को महसूस करने लगा था। मैंने डिसाइड कर लिया था अब ऐसी कोई चीज़ नहीं लूँगा, अब ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं लूँगा जिससे मेरा और मेंटल हेल्थ बिगड़े। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने इस दौरान अपनी जॉब छोड़ दी। मेरा सोशल मीडिया यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा होता था, अब बहुत ही कम हो गया था और वर्क के चलते 0 हो गया। मैंने लोगों से कम्युनिकेट करना स्टॉप कर दिया, मैंने लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया। मैंने अपने लाइफ का, अपने उस पीरियड का, उस तलाश के पीरियड का मोस्ट ऑफ द टाइम जो था अपने कमरे में बिताया। बाहर बहुत चिल करने वाला लड़का अंदर ही अंदर 4 दीवारों के बीते बंद करने लगा खुद को। वॉशरूम में रोना, ये सारी चीज़ें अब आम हो गई थी। वक्त के बीते ऐसा लगने लगा था कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह, एक चमकता सूरज जरूर उगता है। और मेरी जिंदगी का पहला फ्रेश स्टार्ट 1 जनवरी 2022, बहुत चीज़ें हो। 1 जनवरी 2022 मेरी लाइफ का एक नया स्टार्ट। मैंने उस रात ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब फ्रेश स्टार्ट लूँगा, अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करूँगा। वैसे अगर देखा जाए, जिस रात को सब खुशियाँ मना रहे थे नए साल की, मेरे लिए वो रात भी कयामत से कम नहीं थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोची, लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब वही करूँगा जो मुझे खुश रखेगा। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि यू आर द ओनली वन हु कंट्रोल्स योर लाइफ। और मैं अपनी लाइफ का मास्टर बनना चाहता था, अपने हर एक इमोशन का। और मैंने उस रात ये डिसाइड किया अब मैं वही करूँगा जिससे मुझे खुशी होगी।
मैंने बहुत सारी चीजें सोची, मैंने बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया, फोकस किया और मैंने वही करना शुरू किया। मैं खुद के लिए एक नए अपने वर्जन के लिए कुछ करना चाहता था। मैंने सोचा कि चलो अब कुछ ऐसा करूंगा जिससे सब लोगों को एक नया हुजैफ देखने को मिले और शायद मुझे भी। मैंने सोचा मेरे पास एक फोन है, मैं अच्छी स्टोरीज नरेट कर सकता हूँ, मैं अच्छा स्टोरी टेलर बन सकता हूँ, मैं अच्छी स्टोरीज लिख सकता हूँ। मैंने सोचा मैं वही कंटेंट बनाऊंगा, मैंने सोचा मैं यूट्यूब पे आऊंगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा और वही कंटेंट बनाऊंगा जिसमें मैं खुश हूँ, वही कंटेंट बनाऊंगा जिससे मैं खुश हो जाऊँ। और भले ये चीज़ बहुत आम है, मैंने सोचा कि मेरे जैसे कितने होंगे, शायद वो भी इस कंटेंट को देखकर अपने आप को फील कर पाए। तो मैंने सोचा एक नया मैं बनके YouTube पे आऊंगा। अब मैं वही कंटेंट बनाऊंगा जिससे मैं खुश हो जाऊं, जो मुझे खुश कर सके, और इसी चीज को मैं अपनी जॉब कंसिडर करूंगा। बहुत बहुत सारे सवाल मेरे जहन में थे, बहुत सारी चीजें थी जो मैं सोच रहा था, बहुत बहुत जगहों पे क्वेश्चन मार्क था और मैं खुद को उस हालत में पाके मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट उस चीज से तो बेटर है जिस चीज में मैं था। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं रोज वीडियोस बनाऊंगा, मैंने डिसाइड कर लिया मैं रोज वीडियोस बनाऊंगा, रोज अपलोड करूंगा, रोज कंटेंट आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा मे भी बहुत सारे ऐसे भी हो जो इस कंटेंट को देखना चाहते हो, या बहुत सारे ऐसे भी हो जिनको इस कंटेंट की जरूरत हो। मैंने सोचा कि अब इस एंजाइटी को गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है, मैंने सोचा अब इस एंजाइटी से ब्रेकअप करने का वक्त आ चुका है, मैंने सोचा कि चलो छड़ जाओ, नेगेटिविटी जाने दो, अब बस पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे। मैंने सोचा भले मेरे 100 हेटर्स हो, लेकिन एक मुझसे प्यार करने वाला हो, मुझे एडमायर करने वाला हो, मेरा वेल विशर हो, मैं उस एक पे फोकस करूंगा। मैंने सोचा अब नेगेटिविटी की बात खत्म, पर मैंने टाटा वाई में करने का पूरा प्लान कर लिया और मैंने अगले दिन उठ के यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके मैंने वीडियो शूट करा। इस वीडियो को मैं पहले भी आप तक पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने सोचा पहले रुक जाओ, थम जाओ, पहले वो करते हैं जो आगे करना है, पहले उनको वो दिखाते हैं जो हमें करना है, और इस चीज को आगे भी महसूस, आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। मैंने डिसाइड कर लिया अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब लोग हंसे, लोग मजाक उड़ाए, लोग कुछ भी बोले, मैं शर्म महसूस नहीं करूंगा, अब मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अपनी एंजाइटी, अपने मेंटल हेल्थ, इन चीज़ों पे फोकस करूंगा। मैंने सोचा मैं खुद पे ध्यान दूंगा, मैं जिम भी जाऊंगा, मैं किताबें भी पढ़ूंगा, मैं घूमने भी जाऊंगा, नए दोस्त भी बनाऊंगा, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहूंगा और हर एक चीज करूंगा जिससे मुझे खुशी मिले। अब मुझे मेरे ओपिनियंस, मेरे स्टेटमेंट्स मैटर करने लगे, अब मुझे अपने बारे में हर एक चीज अच्छी लगने लगी और मैंने डिसाइड कर लिया कि उन सालों में जो भी हुआ है उस चीज को बदलने का वक्त आ गया। जिस जिसने मुझे डाउट किया है उसको बताने का वक्त आया है, आई एम वर्थ इनफ, आई एम नॉट वर्थलेस। इनफैक्ट मुझे खुद को भी ये प्रूव करने में कुछ समय लगा कि आई एम वर्थी, जो कि मुझे उस पीरियड में हमेशा ये एहसास होने लगा था आई एम नॉट वर्थी इनफ। अब मैंने सोचा उन सबको दिखाने का वक्त आया है, आई एम नॉट कमिंग स्लो, हल्के में नहीं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा जरूर, अपने आप को बदलूंगा, अपने आप को बदलूंगा। सो गाइज, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हो, आपको ऐसी कोई भी चीज़ फेस होती है, तो आप उस पर खुद फोकस कर सकते हो, क्योंकि इट्स यू, ये आप हो, आप अपने आप को बदल सकते हो, अपने हालात को बदल सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर इसमें आपको ऐसा कुछ भी पसंद आया या मेरी चैनल से पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।